अरे इस सब की चिंता तुम मत करो, ये सब हम साफ कर देंगे बिकसवा कलवा के साथ मिलकर। अभी उनको बुला के लाते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कलवा बिकसवा काहे करेंगे, हमारा घर है, हम सारा साफ सफाई करेंगे। आप हमारी मदद तो करेंगे ना? अरे काहे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो क्या करना है? बस सारा सामान उठाकर एक तरफ रख के जाइए। जो हुक्मरानी साहिबा। चलिए। अरे वो तू टके की लड़की के लिए हम सबको छोड़कर चला गया। अरे कम से कम आपका तो सोचा होता, आपने क्या नहीं किया उसके लिए। अरे आपका सोर शाखा उपार के डाड़े रख दिया और इज्जत पे जो भट्टा लगाया सो अलग। तेज देवर जी तो अपने लोगों का इज्जत करना नहीं चाहते। अरे तो ना करे ना, लेकिन हम तो अपने बड़े बुजुर्गों का इज्जत जानते हैं ना, इसीलिए तो हम चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहे। लेकिन आप का किया जाए? बाबूजी, आपने ही तो मना किए थे ना कि हम बुआ जी को कुछ ना बताएं। लेकिन अगर आप चुप रह जाते ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता। लड़की सारा जायदाद हड़पना चाहती थी। हम जानते थे कि आप नहीं चाहते कि बिट्टो रानी को सब कुछ मिल जाए। लेकिन बाबूजी, तेज देवर जी ने ना अच्छा नहीं किया। अरे एक लड़की के लिए घर छोड़ के जाने का क्या जरूरत है? क्या है ना कि माँ बाप से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में। लेकिन बाबूजी, आप चिंता मत करिए, तेज देवर जी ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएंगे। अरे उनके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना बाहर रहने के लिए। उनका सारा पैसा, पिट्टों का गहना जेबर सब हम ही रख लिए। अरे जब पैसा नहीं होगा तो बाहर टिकेंगे कैसे? दो दिन ठोकर खाकर खुद ही घर वापस आ जाएंगे। लालची औरत है, वो तो चाहेगी कि इस घर में लौटकर वापस आ जाए। चाहे कि इस घर में उसका रुतबा जो ऊंचा हो गया था, आप हमें करेगी ना बुआ जी चोरू का गुलाम। लेकिन असली चोरू का गुलाम तो उत्तेज निकला, छोटे बड़े किसी का मान नहीं रखा उसने। तो ये शक है कि कहीं तेज लौट कर आएगा तो लड़की भी साथ में आएगी। तो कहीं अपने प्यार के बहकावे में अपना मत लीजिएगा उन लोगों को, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इज्जत जाएगी वो अलग। कह देते तो ये भी तो हो सकता है कि जायदाद हथियाने के बाद हम ही लोग को बाहर का रास्ता ना दिखा दे। जायदाद का करता धरता तो एक छोटी जाति का ना बन जाए बुआ जी। काहे के करता धरता बाबूजी, छोड़िए ना, सिर्फ दो दिन भूखा रहेंगे ना तो तीसरा दिन खुद ही लौट के घर आ जाएंगे। भूख बर्दाश्त हुआ है का किसी को? और वैसे भी आपका सहारा का बिना आज तक वो कोई काम कर पाए हैं का?
अरे अपने बल पर कुछ ना कर पाएंगे वो। हाँ सुगंधा, तुम ही भूल रही हो कि तेज हमारा बेटा है। वो इतना लाचार नहीं है जितना तुम उसको समझ रही हो। भगवान ने उसको दो हाथ दिए हैं, तुम जानती ही कहो के बारे में। हाँ माफ करिएगा माँ जी, पर हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि तेज देवर जी दो ही हाथ से दो ही काम कर सकते, या तो किसी को गोली मार सकते हैं या तो फिर भीख मांगा जा सकता। ये तो आप भी जानते हैं ना। ज़्यादा जोर से मत बोलिए, भैया जाग जाएंगे। एक्चुअली हम आपसे अकेले में मिलना चाहते थे। देखिए हमारे साथ कौन आया है। लेकिन बहू, हम तुमको तुम्हारे कंगन देना चाहते हैं, कम से कम लेने से मना मत करना। कोनो कहना जेवर नहीं है, माँ का प्यार है, इसको मत ठुकराना। अब हम चलते हैं। वो कहे ना, किसी को कहकर नहीं आए थे, अगर देर हो गया तो सब चिंता करेंगे। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम भी जाकर आराम करो। रुकिए श्रीमती जी। अपने बेटे को बुरी हालत में देखकर आ रही हैं। ये तरस खा कर आ रही है ऊपर। अरे कब तक मदद करेंगी उसकी। हमारी छत्र छाया से बाहर रह पाना आसान नहीं है, इसलिए बेहतरी यही है कि उस पर तरस खाने के बजाय उसको समझाइए।
उसको बताइए कि घर वापस लौट के आ जाए और हम बिट्टू को भी किसी तरह घर पे लाने का इंतजाम कर देंगे। बस यही एक तरीका बचा है आपकी खुशी और हमें हमारी कुर्सी बचाने का। अगर आपको ये लगता है कि हमारा बेटे के घर छोड़ के जाने से हम दुखी हैं, तो ये आपका गलत फहमी है। और हाँ, हम वहां पे तरस खाने नहीं, उनका मदद करने गए थे। लेकिन हमारी बहू भी हमारे बेटे की तरह खुददार निकली, उनको नहीं चाहिए आपका मदद। जैसा उसको तेज पर भरोसा है ना, वैसा ही हमें अपनी बहू पर भरोसा है। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि अगर उसको इस घर में आने के लिए अपनी पत्नी का साथ छोड़ना पड़े ना, तो यहाँ कभी नहीं आए। इस घर में आने का कोई जरूरत नहीं है, जहाँ कोई उसे एक बेटे की तरह प्यार करना नहीं जानता, लेकिन एक मोहरे की तरह उसका इस्तेमाल करना जानत है। चाहते हैं कि भगवान का जो भी आशीर्वाद हम तक पहुंचे। लेकिन कंगन कहाँ से आया तुम्हारे पास? रात को आप सो गए थे, माँ जी आई थी, मैं प्यार का वास्ता देकर ही कंगन दे गई, मैंने मना भी नहीं कर पाया। बिट्टू, तुमको ही कंगन नहीं पहनना चाहिए था, उतार दो इसको। वो घर का कोई भी सामान तुम अपने पास नहीं रखोगी। आज से हम काम शुरू करने जा रहे हैं और वादा करते हैं तुमसे कि अपना कमाई के पैसा से तुम्हारे लिए नया कंगन लेकर आएंगे। अरे ये बटन किसने दबाया? दोबारा इस लाल बटन को हाथ मत लगाना। चोर, वो फाइल वहां पहुंचा देना। माफ कीजिएगा तेज बाबू, हम आपका हिसाब नहीं कर पाए, हम आपके पैसे खुद ही पहुंचा देंगे। हिसाब किताब भूल जाइए मैंने जैसे बाबू, हम यहाँ कोई वसूली करने नहीं आए, मजदूरी करने आए, हमको कुछ काम चाहिए। ये नहीं तेज बाबू, लेकिन आपको नौकरी की क्या जरूरत है, सब अपना ही समझिए। और फिर हम आपसे काम के लिए कैसे कह सकते? छोटा मुंह बड़ी बात। हम जितना कह रहे हैं उतना ही सुनिए ना आप। हमारा मतलब है कि हमको कोई काम मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, हम अभी आते हैं। हेलो जी, हम लोहा फैक्ट्री से बोल रहे हैं। तेज बाबू यहाँ अभी से काम मांगने आए, अब हम उनसे क्या कहें? क्या तेज भैया लोहा फैक्ट्री में काम मांगने आए हैं? हम मजबूरी में उनको काम तो दे रहे हैं। ये मैं बचाइएगा, उनके गुस्से की चिंता तुम मत करो, तुम उधर संभाल, हम यहाँ संभाल लेंगे। जी मालिक।
मालिक आपको काम चाहिए तो मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ तो लोहा लगकर है, इससे आपको खटना पड़ेगा। आप वहां जाकर वेल्डिंग का काम देख लीजिए। ठीक है। आज हम उनके लिए फैक्ट्री में खाना लेकर जाएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो जान भी नहीं रहे हैं कि हम खाना लेकर आने वाले हैं। हमको देखकर वो कितना खुश हो जाएंगे। हो जाता तो अरे ये सब कैसे हुआ मालिक? और आप सब लोग ठीक तो है ना? जाके देखो ये सब कैसे हुआ। अरे तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? हमको कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम मेरे सामने खड़े हैं, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्त अब चिंता की कोई बात नहीं है, भैया बिल्कुल सही सलामत है। और आप क्या होते हुए इन्हें कुछ हो सकता है? भगवान का शुक्र है कि अब बाल बाल बच गए, आज न जाने का अनर्थ हो जाता। देखा भैया, इसे कहते हैं आदर्श पत्नी। अगर कुछ बुरा हो तो सारा दोष अपने ऊपर, और अगर कुछ अच्छा होता है तो शुक्रिया भगवान का। तुम ठीक कह रहे हो जय, लेकिन ध्यान रखना घर पे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। माई सुनेंगी तो बहुत परेशान होंगी। आप चिंता मत कीजिए भैया,
ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये हादसा था या कुछ और। हमरे ऊपर जो हादसा था वो तुम्हारी वजह से टल गया है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बताना ही भूल गए, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। ऐसे कहाँ देख रहे हैं आप? ये ठीक कह रहा था, तुम बिल्कुल आदर्श पत्नी हो। अब रहने दीजिए, बहुत ही हो गया तारीफ। चलिए चल के खाना खा लीजिए। चलो। बोलते क्यों नहीं? ये कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग? हाँ, आज यहां पर क्या से क्या हो गया होता कुछ जानते हो तुम लोग? बिना सोचे समझे ये स्विच किसने ऑन किया? चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो हमें, किसने ऑन किया ये स्विच? आप यहाँ के मैनेजर है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन काम कर रहा है। ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आखिर आपके रहते ये लापरवाही हुई कैसे? खालिक, मैंने कितनी बार इन लोगों को समझाया इस रेड वाले बटन को कभी हाथ मत लगाना, पर पता नहीं इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। अबे बोलने निकल रहा है क्या? कहाँ है फोरमैन? बोला उसको। ये स्विच तुमने ऑन किया? हमको नहीं पता वादी, हम तो अभी लघुशंका करके आ रहे हैं। तो इतना समय लगता है तुम्हें लघुशंका करने में? साहब हम तो ये लापरवाही नहीं, जरूर किसी की साजिश है। मामूली सा चोट है, काम करते समय लग गया था। एक बात कहें तो सर, आज से पहले खाना खाने में इतना मजा कभी नहीं आया। अब कछु मत बोलिए, चुपचाप खाना खा लीजिए। प्यारा देवर हमारे हाथ से बच गए, इसीलिए पगला गए। अरे धीरे बोलिए ना, कोई सुन लेगा तो बहुत गजब हो जाएगा। वैसे भी हमको लगता है कि आपका किस्मत है ना बहुत ही खराब है। हमारा किस्मत नहीं खराब, उसका किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा है हमसे, इसीलिए तो हर बार वो विक्टर पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए। अरे हमको तो वैसे ही आपसे उम्मीद नहीं था, और ये सब कह के ना हमारा दिमाग और खराब कर रहा था। अरे हमको जो करना था वो तो हम किए ही थे ना, बिट्टो को घर से बाहर निकाला था, हम निकाले थे। दादी बुआ की जायदाद पाने का रास्ता साफ कर दिया। अब तो दादी बुआ किसी कीमत पर भी तेज देवर जी को अपना जमीन नहीं देंगे। लेकिन आप तो यहाँ बैठ कर अपना सामान तोड़ते रहिए। अरे कुछ नहीं होगा आपसे, सुनिए अगर हम आपकी जगह होते ना तो कब का काम तमाम कर चुके होते। हाँ
तमाम कर दी होती। दाली भाते का कवर नहीं है कि उठाए और खा लिया। तेज और बिट्टू को घर से निकाल कर ज्यादा उड़ो मत, जमीन पर रहो, समझी? तेज घर छोड़ कर गया है, दुनिया छोड़ कर नहीं गया है कि वापस नहीं आएगा इस घर में, वो कभी भी वापस आ सकता है। दादी बुआ के मन का क्या है, क्या पता कब बदल जाए। इसके पहले दादी बुआ का मन बदले और तेज उनकी नजर में आए, उसका खेला खत्म करना पड़ेगा। और अब की बेर अगर बिट्टो बीच में आई ना, दोनों का जान जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे, हमारे लिए कुछ खाना बचा है या सब खत्म हो गया? हम मजाक कर रहे थे, हम तो घर से ही खाना खाकर आए थे। कछु पता चला ये हादसा कैसे हुआ? यह हादसा नहीं था, हमें तो शक है कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन अगर ये बात हम आपको बताएंगे तो आप बेकार में परेशान हो जाएंगे। कहाँ सोचने लगे? कुछ नहीं, वो फैक्ट्री के लोगों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ, अभी सबको डांट लगा कर आए। अब तुम लोग घर चलो, हमारे काम का समय हो गया। जय, बिट्टो घर छोड़ते हुए जाना। जी भैया। मान गए दोस्त, अपने इस छोटे से नए घर में आते ही आपने इसे भी संवार दिया। लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो बात आज समझ में आ रही है। इसलिए दोस्त, हमने भी आज फैसला किया है कि हम किसी को बिना बताए शादी नहीं करने वाले। पहले हम सबको अपने प्यार के बारे में बताएंगे, फिर सबको राजी करेंगे और फिर जाकर शादी। तो बहुत अच्छा सोचे आप। और हम जब उसको यहाँ पर लेकर आएंगे ना, तो सबसे पहले आपसे ही मिलवाएंगे और उसे कहेंगे कि उसको भी आप जैसा ही बनना होगा। लेकिन प्यार अगर इस शर्त पे हो सामने वाले को बदलना पड़े, तो वो प्यार ना ही होते, सौदा होते। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, आप बिल्कुल सही कह रहे। चलिए, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। चाबी सब छोड़िए, हम आपके लिए कुछ बना देते हैं खाने के लिए। अरे नहीं नहीं दोस्त, आज नहीं, फिर कभी खा लेंगे। आज पहली बार भैया अपने मेहनत से काम शुरू कर रहे हैं, आपको तो उनके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए। आज का दिन आप भैया के लिए कुछ ऐसा बना दीजिए कि वो भूल ही ना सके, एक यादगार दिन। और फिर आपके उन यादगार लम्हों के बीच में हमको ही खलल नहीं डालना चाहिए, इसलिए हम तो चले दोस्त, बाय बाय। आज का दिन आप भैया के लिए कुछ ऐसा बना दीजिए कि वो भूल ही ना सके, एक यादगार यादगार। माफ कीजिए तेज बाबू, आपको मजदूरी देने की हैसियत तो है नहीं हमारी, लेकिन जो हिसाब है वो तो देना ही पड़ेगा ना। ये हमारी मेहनत का पहला कमाई है।
बाबाजी पैसा नहीं हमरे लिए, किसी का दुआ है, इसलिए इतना गौर से देख रहे हैं। चलते हैं। जिंदगी का पहला कमाई पर उसी का हक होना चाहिए जो हमको जिंदगी का सही मायने सिखा रही है। गया इनको गए हुए, अभी तक घर का ही नहीं आए। कंगन? हाँ, तुम्हारे लिए लेकर आए। हम तुमसे कहे थे ना कि अपना मेहनत का कमाई से तुम्हारे लिए कंगन खरीद कर लाए। इतना महंगा कंगन लाना का हैसियत नहीं है हमारा, ये काच का कंगन लेकर आए। प्यार से दिए हुए तोहफे का कौनो कीमत नहीं होते। ये कंगन तो हमारे लिए हीरे और सोने से भी बढ़कर है। हम अपने हाथ से पहना देंगे तो दुनिया का सबसे कीमती कंगन हो जाएगा ये हमारे लिए। रुद्र बाबू यही चाहते थे ना कि इन दोनों की चिता जले, समझ लो इन दोनों की चिता जल गई। रुद्र बाबू यही चाहते थे ना कि इन दोनों की चिता जले, समझ लो इन दोनों की चिता जल गई। ए, कौन है वहां? जय, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया जल्दी से गाड़ी में बैठिए वरना वो आदमी बहुत दूर निकल जाएगा। चलिए। अरे कौन आदमी, कैसा आदमी और कहाँ पागलों की तरह तू भागता हुआ जा रहा है? बेटा ये शहर नहीं है, गांव है। गांव भैया रात को निकलना खतरे से खाली नहीं है, चुपचाप घर जाओ। लेकिन भैया वो आदमी तेज भैया के घर में आग लगाने वाला था। सहयोग कहिए कि हम वहां आ गए और हमने देख लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन इतनी रात में तू तेज के घर के बाहर क्या कर रहा था? भैया आज हमको लोहा फैक्ट्री में कुछ अंदेशा हुआ था कि तेज भैया को कोई टारगेट कर रहा है, इसीलिए हम रात को उनके घर के बाहर देखने गए थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और देखिए किस्मत से हमारी नज़र उस आदमी पर पड़ गई, आज तो वो बच के भाग निकला, लेकिन अगर हाथ में आता ना तो जिंदा नहीं छोड़ते हम उसको।
अरे ऐसे काहे चौंक गई? ये हमारी तरफ से हमारी पत्नी के लिए एक और तोहफा है। पैसा? ये पैसा तुम्हारी पति का पहला कमाई है, वही सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है। काहे छुरी उमरे? पैर छूकर ही एहसास होता है कि हमरे जीवन में भी कौनो है जो हमरे दुख को बांट कर सुख देत है। इसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब का है? का है बुआ जी? अरे हमसे जायदाद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी छीन लिया? इसमें परेशान होने का क्या बात है? ये जायदाद का तुमरा है हा? अरे लेकिन बुआ जी अब तक संभाल तो हम ही रहे थे ना बुआ जी, लेकिन अब अचानक ऐसा का हो गया कि ये अधिकार भी आप हमसे छीन लिए? जो आदमी अपने फायदे के लिए एक छोट जात की लड़की को घर में रखने से परहेज नहीं करता, उसके हाथों में हम अपना जायदाद कैसे दे सकते हैं? अरे आप समझ नहीं रही बुआ जी, तेज का शादी बिट्टू से करा कि हम खुश थोड़ी ना है, पर क्या करें, चुनाव के चक्कर में करना पड़ा हमका। अरे हम तो बुआ जी खाली व्यवस्था का तोड़ ढूंढ रहे थे और कुछ नहीं। तो एक ही रास्ता मिला तुम्हें, तुमने तो अपने बेटे का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन हम तुम्हें अपना घर को अपवित्र नहीं करने देंगे। बस बुआ जी आपकी नाराजगी जो है जायज है, बिल्कुल जायज है। आपको जो सजा हमको देनी है हम भुगतने के लिए तैयार है, बस ये गलती के लिए हमको माफ कर दीजिए। माफी हम देंगे पर एक शर्त पर। तेज को घर वापस लाना होगा, लेकिन अकेले, बिट्टो के बगैर। अपने पत्नी का और क्या कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, मदद छोड़िए हमें। लेकिन हम तो करेंगे मदद। आज हम अपनी पत्नी के लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। खाना? और आप? नहीं नहीं चलिए हटिए, आप खाना वाना नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे? उठो उठो चलो उठो और यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अरे तुम हमारे महल की रानी हो, चुपचाप रानी के जैसा यहाँ बैठो। हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है? अरे बहुत अच्छा बनाते हैं, बनाए भी हैं काफी बार। देखो अभी कैसे बना देने, इसका काम उसी को साजे। हमको पता है हम खाना नहीं ना बना सकते, भाई भरत जब राम से जंगल में मिलके आते हैं तो वो माता कौशल्या को भ्राता राम, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण के कुटिया में निवास स्थान होने की बात कहते हैं
और राजसी सुख में कुटिया जीवन दुख के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर माता कौशल्या दुखी होती है। तेज को किसी ने घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। अगर वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो ये मैं गलत का है बुआ जी? पत्नी काहे का पत्नी बहू? उस छोट जात की लड़की के लिए तेज को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। छोट जात की लड़की ही सही, लेकिन वो लड़की तेज की पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर तेज ने शादी किया है उसके साथ, और ये रिश्ता जितना आसानी से जुड़ सकत है ना, उतना आसानी से टूट नहीं सकत है। और फिर तेज तो अपना फर्ज निभा रहा है ना, और ठाकुर खानदान का सदस्य होने की हैसियत से ही वो बिट्टो को ब्याह कर इस घर में लाया है। इन अब सब कुछ सहना पड़ रहा है बिट्टो को। का सहना पड़ रहा है उसे? अरे उसकी तो हैसियत नहीं थी हमरे घर के साथ जुड़ने की। किस मकसद से शादी की है वो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम कभी उसे अपनाएंगे नहीं। लेकिन बहू, हम तेज के ऊपर नाराज नहीं है। अगर वो लड़की का साथ छोड़कर घर वापस आना चाहते हैं तो हमें कोनो इतराज नहीं। तुम तेज के बारे में चिंता ना करो। और रही बात वो बिट्टो का, उसके लिए तो दुआ करो बहू, यू कभी हमरे सामने ना। गुस्सा भरा हुआ है ना आपका भीतर, तो हम चाहेंगे कि बिट्टो एक बार आपके सामने जरूर आए और आपके गुस्से से जल के राख हो जाए। दोस्त, हमारे पूजनीय भाई साहब कहाँ गए? तो काम पे गए, बैठिए ना, आपके लिए चाय बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय भाई की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली हम आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लाए हैं, ये देखिए। अरे हमने फोटो जब खिंचवाए थे तो पीछे ताजमहल नहीं था, ताजमहल कहाँ से आ गया? कैसी बात कर रही है, हमारे दोस्त को ताजमहल पसंद था तो हमने ताजमहल को उठाकर आप दोनों के पीछे लगा दिया। इस तस्वीर को आप यहीं पर घर पर लगा दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं, यही देने आए थे आपको। रुकिए, पकड़िए, हम अभी आते हैं। एक अच्छे रुपए हैं, ये पैसे उनकी पहली कमाई के हैं, ये माँ जी को दे दीजिएगा। पता है ना, बेटे की पहली कमाई तो सबसे ज्यादा हक की माँ का होता है, उनको दे दीजिएगा। नहीं दोस्त, इस काम को आपको खुद अपने हाथों से करना चाहिए, आप खुद उन्हें दीजिएगा। हम खुद अपने हाथों से कैसे दे सकते हैं, हम तो वहाँ नहीं आ सकते हैं ना। दोस्त, आपका रिश्ता घर से टूटा, घर वालों से नहीं। अगर आप खुद ये रुपए माँ को देंगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, और माँ से मिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा तो ठीक है, हमसे वादा कीजिए कि आप माँ जी को बाहर तक लेकर आएंगे, इतनी चौखट को हम पार नहीं करेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी मां को बुला कर लाता हूं। hmm.
के लिए दुआ करो बहू, कभी हमरे सामने ना आए। यही समय है आग में घी डालने। आ गई तुम वापस। भाभी हम तो, अरे चुप करो तुम। आपको पता है आप जब दिमाग ठिकाने आ गया है तो घर में घुसना चाहती हो। पता है हमको क्या करोगी? थोड़ा सा रोगी, गिड़गिड़ाओगी, थोड़ा सा नाटक करोगी, और तुम कर भी कर सकती हो। चलो घर का अंदर चलो, रो लो अपना दुखड़ा। अरे चलो 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 चलो। भाभी हम तो, अरे चुप करो तुम। मोहल्ला में खड़ा रहकर बाबूजी का इज्जत खराब करने का जरूरत नहीं है। लोग तुमको अभी भी यही घर का बहू समझते हैं, समझी? चलो, अरे आओ आओ। छोड़िए, क्या कर रही है? चलो छोड़िए हमें।